ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रपराशरंच व्यासं शुकं गौरपदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथासि शिष्यं श्री शंकराचार्य अथासि पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततं अनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तृणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चातुःशब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओं तस्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण अकारण करुण करुणा करुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वराद पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान ही इस संपूर्ण चराचर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान से ही जगत उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है,
पुनः भगवान में लीन हो जाता है। इसलिए जगत का माता पिता भगवान ही। भगवान कहते हैं अर्जुन, पिता हमस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋग साम यजुर्वेद च। अर्जुन, जगत का माता पिता दोनों ही मैं हूं। मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही जगत रूप बनता हूं, मैं ही बनाता हूं और मैं ही धाता हूं, अपने में ही धारण करता हूं, आधार अधिष्ठान हूं। इसलिए सबसे ऊपर मैं ही हूं, फिर मुझसे ऊपर कोई नहीं है। मेरी उत्पत्ति नहीं होती है, मुझसे जगत उत्पन्न होता है, मुझ में रहता है, मुझ में लीन होता है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय मुझ में होती है, न कि मेरी। मैं तो आदि अंत रहित, उत्पत्ति नाश रहित हूं, सर्वोपरि। भगवान से ऊपर कोई नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का दिया हुआ ये जो गीता रूप उपदेश है, इस गीता शास्त्र से बढ़कर इससे ऊपर कोई शास्त्र भी नहीं है। क्योंकि या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मात्मनिसृता, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये गीता का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। और जितने शास्त्र हैं, कोई ऋषि महर्षियों के किए हुए हैं, जीव निर्मित हैं, और ये गीता शास्त्र तो साक्षात भगवान के मुख से निकला, संशय विपर्य रहित है, सबसे ऊपर है। उपनिषदें वेदों में सबसे ऊपर बताई गई है, क्योंकि वेदांत है, वेदों का अंतिम कांड माने सबसे ऊपर। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर में सबसे ऊपर सिर आए, फिर सिर के ऊपर तो कोई नहीं है, ऐसे ही भगवान कहते हैं अर्जुन, ऋचाम मूर्धानम ये साम उत्तमांगम सामनाम शिरो अथर्वणाम मुंड मुंडम नाधीते अधीते वेदम आहुस्तमज्ञम शिरश्चित्वा कुरते कबंधम। अर्जुन, सबसे ऊपर ये उपनिषद भाग ज्ञान कांड है, इससे ऊपर कोई नहीं है। ऋचाम मूर्धानम, सभी ऋचाओं का, वेदों का मूर्धा है। अथर्वणाम मुंड मुंडम, अथर्व वेद का मुंड है। साम नाम सिरो, साम वेद का सिरोभाग है। चारों वेदों का ये सिरोभाग है। सिर सर्वसे श्रेष्ठ होता है, शरीर का मूल है सिर। सिर के बिना शरीर नहीं रह सकता। तो ये उपनिषद गीता सब वेद रूपी शरीर का मूल है, सिरोभाग है। ऋचाम मूर्धानम यजसाम उत्तमांगम सामनाम शिरो अथर्वणाम मुंड मुंडम नाधीते, इसका जो अध्ययन नहीं करता है, और अधीते वेदम
शेष वेद का अध्ययन करता, माने इसके नीचे कर्म कांड पहला है, भक्ति कांड दूसरा है, ज्ञान कांड तीसरा है, यही अंतिम है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। वेद का अंतिम भाग ज्ञान भाग शिरोभाग, इसका जो अध्ययन नहीं करता है और कर्म उपासना रूप वेद का अध्ययन करता है, तो भगवान कहते हैं आहुस्तमज्ञम शिरश्चित्वा कुरुते कबंधम, वह मूढ़ है मानो सिर को काटकर धड़ संभालना चाहता है। सिर काट करके धड़ कैसे संभल सकता है, वो तो अमंगल होकर गिर ही जाएगा। तो जो वेदों के सिरोभाग को छोड़ दिया माने काट दिया, गीता उपनिषद को, तो मानो कर्म उपासना को संभाल रहा है केवल, वो निर्जीव है। ज्ञान बिना कर्म उपासना निर्जीव मुर्दा रूप, इसलिए ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और ज्ञान कांड उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। अर्जुन, व्यास जी महाराज कहते हैं कि संपूर्ण उपनिषदों को भगवान ने गौवें बनाया, दुग्धा गोपाल नंदना, और गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुग्धा बने, उपनिषद रूप को गौओं का दोहन करने के लिए माने उनका सार तत्व निकालने के लिए। पार्थो वत्सा, पार्थ बछड़ा बना, क्योंकि बछड़े के बिना गौ के स्तनों में दूध नहीं आता। बछड़ा स्तनों में जब मुख मारता है तब वो बछड़े के पिलाने के लिए गौ के स्तनों में दूध आ जाता है। तो पार्थ बछड़ा है, वत्स है, और केवल बछड़ा ही गौ का दूध नहीं पी लेता है, जो गोपाल है, जो गौएं चराने वाले लोक में है, वो गौएं चराते हैं, दूध दोहन करने के लिए बछड़ा ढीलते हैं, तो बछड़ा ढीलते हैं, अब वो स्तनों में मुख मारता है, गौ के स्तनों में दूध आ जाता है, फिर कुछ बछड़ा पी लिया, सब बछड़े को नहीं पिलाया जाता है, क्योंकि जो गौएं चराने वाला ग्वाल है उस ग्वाले के भी बच्चे हैं, पत्नी है, पुत्र है और स्वयं भी है, उसका भी हक है उस दूध में जो गौ का पालन पोषण कर रहा है। अब उसका जीवन निर्वाह तो वही गौओं से ही है, क्योंकि रात दिन वो गौओं की सेवा में लगा रहता है, तो अपना जीवन निर्वाह और कहां से करेगा, गौ ही करती है। इसलिए उस ग्वाले को, ग्वाले के पत्नी को और बच्चों को भी दूध चाहिए, और जिनके पास में नहीं है गौएं, नहीं पाले हैं, पास पड़ोस में रहते हैं, गांव गली में रहते हैं, गौएं नहीं उनके, तो ये गोपाल जो है फिर कुछ दूध उनको भी दे देता है। उचित मूल गौओं के चारा दाना के लिए, कुछ सेवा करने के लिए उनसे ले लिया, उनको भी दूध दे देता है।
तो गौ के दूध से गौ का बछड़ा तो पलता ही है, अब गोपाल का भी परिवार पलता है और पड़ोस के गांव के जो लोग हैं उनको भी चाय पानी को दूध मिल जाता है, सबका काम चल जाता है। इसी प्रकार से गौ तो बछड़ा बना, उसने पूर्ण ये ज्ञान रूपी दूध पान किया पिया, और दूसरे कहा उचित मूल्य दे करके दूसरों को भी देता है। दूसरे इसके पीने वाले कौन हैं? कहा दैवी संपत्ति ही इसका मूल्य है, दया क्षमा शांति भक्ति 16वें अध्याय में जो भगवान ने बताया है दैवी संपत्ति। शुद्ध बुद्धि सुधीर भोक्ता, जिसकी बुद्धि निष्काम कर्म से शुद्ध भई है, निर्मल भई है और भगवान की भक्ति से निश्चल भई है, और अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम दयाकूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्री अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता संपदम दैवीम अभिजाते उसी भारत हो। ये दैवी संपत्ति है, ये दैवी संपत्ति ही इस गीता ज्ञान रूपी दूध का मूल है। और ये गीता ज्ञान दूध को क्या बताते हैं भगवान व्यास जी? सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। ये गीता रूपी जो दूध है ज्ञान, कहा महान अमृत है, माने इसके पीने मात्र से यह जीव अमृत को प्राप्त होता है, अमर हो जाता है। ऐसा गीता रूपी ज्ञान रूपी दूध है, मृत्यु का भय तुरंत खत्म होता है। ये दूध के पीते ही ज्ञानामृतम भोजन महान अमृत है। ये अमृत का गुण इसी में घटता है। और संसार में जो सुनने में आते हैं स्वर्गाधिक लोकों में अमृत, उनमें वो कुछ गुण घटता नहीं अमृत का, उनका नाम मात्र है। कोई सभा लगी थी उसमें और भी, ये तो महत अमृत है, सबसे बड़ा अमृत है जिसमें अमृत का गुण घटता है, अमर बनाता है। कुछ नाम मात्र के भी अमृत संसार में बताए गए हैं। कोई सभा में अमृत का निर्णय हो रहा था जिसमें देवता लोग भी बैठे थे, ऋषि लोग भी बैठे थे, मनुष्य सब लोग बैठे थे। कहाँ है अमृत बताओ भाई? तो किसी ने कहा धौ विधौ बदमुखे फणिनाम निवासी स्वर्गे सुधा वसचिनो विविधा वदंती क्षारात क्षयात पतिमृतात गरलात पतित्वात कंठे सुधा वसति सा भगवत जनानाम। किसी ने कहा धौ माने समुद्र में अमृत है, क्योंकि मंथन किया गया था समुद्र में तो 14 रत्न निकले थे, उनमें अमृत भी निकला था। इससे जाना जाता है कि समुद्र में अमृत है। देवता दैत्य दोनों ने मिल करके बांस की नाक की रस्सी बना करके, मंदराचल की मथानी बना करके इस प्रकार से मंथन किया गया था। समुद्र मंथन की कथा पुराणों में आती है। उससे अमृत निकला था, उस अमृत के लिए देवता और दैत्य सब दोनों ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वो कहते थे हम पिएंगे, वो कहते हम पिएंगे, उसको छीना झपटी में लगे थे एक दूसरे को। भी अमृत कौन न पीना चाहेगा कि अमृत पीकर हम अमर हो जाएं? तो अब धौ
समुद्र में इस प्रकार से हमसे सुनने में आता है, और विधव चंद्रमा में अमृत सुनने में आता है। कोई शास्त्र कहते हैं चंद्रमा में अमृत है, अमृतमयी किरणों से सारे संसार के तापमान को शांत करता है, शीतलता ठंडक पहुंचाता है, सारे दिन की गर्मी को शांत करके रात्रि में जो चंद्रमा उदय होता है तो ठंडक आ जाती है। तो चंद्रमा में अमृत है कोई कहते हैं, कोई कहते हैं कांता के अधरोष्ठों में अमृत है। अब्धौ विधौ बधमुखे बधु कांता, पत्नी के मुख चंद्र में अमृत है ऐसा कहते हैं। बधमुखे स्वर्गे सुधा वसतिनो बेहुधा बदंती, देवता लोग कहते हैं कि हमारे स्वर्ग में अमृत है। तो अब्धौ विधौ बधमुखे फणिनाम निवासे, हाँ कोई कोई कहते हैं बासुकी नाग के यहाँ नागलोक में अमृत का कुंड है ऐसा कोई कहते हैं कि नागलोक में अमृत का कुंड है। देवता कहते हैं हमारे लोक में अमृत है, देवता लोग सब अमृत पीते हैं, अमृत का पान करते हैं। इस प्रकार से कई जगह अमृत को बताते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो ये सब अमृतों को लाने के लिए हनुमान जी ने भगवान राम से कहा था। जितने अमृत ये गिनाए गए हैं, भगवान जब लक्ष्मण को मूर्छा आई शक्ति लगने से, तो ये था कि रात्रि भर तक का इनका जीवन है, सूर्य निकलते ही लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे, प्राण चले जाएंगे, रात्रि भर रह सकते हैं अभी। तो भगवान राम विलाप कर रहे थे बंधु के वियोग का, कह रहे थे भाई लक्ष्मण तुम्हारी माता ने मेरे साथ में भेजा है, मैं तुम्हारे बिना अयोध्या कौन मुख लेकर जाऊंगा, तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगा, कहां त्याग दिया आप मेरे बेटे को। बहुत दुखी हो रहे थे, मुझे बताओ तो सही मैं क्या करूं, तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मैं ही अपने प्राण छोड़ दूं। इस प्रकार से विविध प्रकार से विलाप कर रहे थे भगवान राम। तो सभी भालू बानर बैठे ये भगवान के विलाप को सुन रहे, हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े भए और कहा कि प्रभु आप क्यों लक्ष्मण जी के लिए चिंता करते हो, आपका दास आपका सेवक सब प्रकार से समर्थ है, लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे, देखो मैं क्या करूंगा कैसे जिलाऊंगा। हप्पा ताल तह किम सुधा रस मानयामी, कहो तो अभी मैं पाताल में जाता हूं और बासुकी नाग के यहां से अमृत का कुंड उठा के ले आता हूं, लक्ष्मण के मुख में डाला जाएगा, लक्ष्मण उठ के बैठ जाएंगे। पाताल तह किम सुधा रस मानयामी, निष्पीड चंद्रमामितम किमता हरामी, और कहो जहां चंद्रमा में अमृत बताया जाता है उसको अभी पकड़ के ले आऊं और कपड़े की भांति निचोड़ करके अमृत लक्ष्मण के मुख में डालू। निष्पीड चंद्रमामितम किमता हरामी,
उदंड चंड किरणम ननु वारयामी। कहो तो ये भय है कि सूर्य निकलते ही मेरे भाई के प्राण चले जाएंगे, तो सूर्य का निकलना ही बंद कर देता हूं। समर्थ है हनुमान जी, हनुमान जी की कथा तो प्रसिद्ध ही है कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो, इतनी शक्तिशाली है। सूर्य का भी बाल काल था, प्रातः काल बाल काल रहता है सूर्य का, और हनुमान जी का भी बाल काल था, बालक थे दोनों। अंजनी वन में छोड़ दिया, कहा मां खाऊंगा क्या, कहा जो मधुर मधुर लाल लाल फल दिखाई पड़े, मीठा मीठा फल रोही खाना। तो प्रातः काल ही सूर्य भगवान दिखाई पड़े, तो ले लो ताहि मधुर फल, जानो ये मीठा फल है लाल लाल, ऐसा जान करके उसको खा लिए। अब सोचो सही, इतने बड़े सूर्य को भक्षण कर जाना, खा लिए तो तीनों लोक भय अधियार, तीनों लोक में अंधकार छा गया। अब सब ऋषि मुनियों के संध्या बंदन आदि तर्पण आदि ये सब बंद हो गए, संसार का सब काम बंद हो गया, घोर अंधकार में कैसे काम करे, क्या काम करे, सबको तकलीफ हो गई, कष्ट हो गया। तीनों लोक भयो अधियारो, ताइसो त्रास भयो सबको, यह संकट काऊ सो जात नटारो। अब ये संकट कौन दूर कर सके, तो सब देवता लोग मिल करके आए हनुमान जी के पास। देवन आन करी विनती, विनय किया हनुमान जी ये मधुर फल नहीं है, इसको छोड़ दो, इस सूर्य के बिना तो सारे संसार का काम बंद है और सबको दुख है, तो सबके दुख को तुम निवारण करो इसको छोड़ करके। तब छाड़ दियो रवि, तब सूर्य को छोड़ दियो, देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रवि, कष्ट निवारो सबका, कष्ट निवारण किया। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये सारे ही अमृत हनुमान जी ने कह के गिना दिया कि आप आज्ञा करो केवल, अब भी मैं लाता हूं सूर्य, सूर्य निकलेगा ही नहीं, सूर्य का निकलना तो भगवान राम ने कहा एक ही बार बाल काल में खा लिया था, तो सारे संसार को कष्ट हो गया था, सबको कष्ट दे करके मेरे भाई को थोड़ी जिलाना है कि सब संसार कष्ट पावे, एक मेरा भाई ही जिए, ऐसा नहीं। उदंड चंड किरणम ननुवारयामि, कहा तो प्रभो ऐसा करता हूं कि नास पास मनीषम किम चूर्णयामि। कीनास कहते हैं अंतक को, यमराज को, कहा यमराज की जो लोहमयी फांसी है उसको तो चूर्ण चूर्ण कर देता हूं, और यमराज को पटकों मीच नीच मूसक जीवी सबको ताप मिटाऊं, मैं ऐसा करूं हमेशा के लिए तुम्हारे भ्राता लक्ष्मण के बहाने सारे संसार के लोगों का दुख मिटा दूं, मृत्यु का भय खत्म हो जाए, मृत्यु को मार डालूं, ये ठीक रहा, मृत्यु मर जाएगा तो सब निर्भय, किसी को दुख ही नहीं रहेगा। भगवान कुछ नहीं बोली, क्यों, मृत्यु भी संसार में भगवान ने एक माली के रूप में बनाया, वो भी संसार रूपी बाघ का, ये संसार रूपी बाघ भगवान का है, और ये मृत्यु जो काल है ये माली है, माली का काम है बाग बगीचे को जो सूखे हुए पेड़ हो उनको तो काटे,
नए नए पौधे लगावे और नए पौधे भी काट छांट करके शोभायमान बनावे, मालिक देखे तो प्रसन्न हो गया, सब हमेशा हरा भरा बना रहे। तो ये काल जो है मृत्यु माली का काम करता है, यही सेवा करता है भगवान। सूर्य की भी जरूरत है, सूर्य भी भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रकाश का काम करता है। भयादस्याग्निस्तपति भयात तपति सूर्या भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। वेद में ये मंत्र है कि भगवान की भय से, भगवान की आज्ञा से सूर्य समय पर उदय होता है, अग्नि तपता है, इंद्र काम करता है और वायु चलता है, सबको प्राणदान देता है, मृत्यु धावती पंचमा। और ये जो मृत्यु है ये दौड़ा दौड़ा फिरता है, उसको मारता है, उसको पैदा करता है, नए पौधे लगाता है, पुराने को काटता है। पुराने पुराने वृक्ष हो गए हैं शरीर, काल नहीं छोड़ेगा, भगवान की आज्ञा वो भी पालन कर रहा है, नए नए पौधे पैदा उत्पन्न करता है। इसलिए भगवान ने ये सब कुछ बोले नहीं, कहा देखो कि जामवंत जी हमारे तुम्हारे सबके ये मंत्री हैं, ये सलाह देने वाले हैं, जो मंत्र देवे सलाह देवे, मंत्रणा कहते हैं सलाह को, मंत्र कहते हैं सलाह देने को, उचित सलाह देवे उसको मंत्री कहते हैं। सारी प्रजा की रक्षा हो ऐसी सलाह देवे। तो कहा जामवंत जी बताएंगे क्या करना ठीक है। जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि प्रभो लंका में एक वैद्य रहता है, उसका सुखेन नाम है, वो सुखेन नाम का वैद्य इस शक्ति की बूटी जानता है, तो सहज ही काम बन जाएगा, वो वैद्य आ जाए और लक्ष्मण को वही दे देवे शक्ति वाली बूटी, लक्ष्मण अभी उठ बैठेंगे, इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। परंतु यही है कि वो रावण का वैद्य है, अब रावण के भय से डर से अब वो आएगा कि नहीं आएगा, ये बात है। तो जामवंत ने कहा कि हनुमान जी समर्थ हैं, ये ला सकते हैं उस वैद्य को, लंका में जाकर के वहां से ले आऊ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूं, अभी वैद्य को लिवा ले आता हूं। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान और ज्ञानवान थे, उन्होंने कहा ऐसे में जाके वैद्य जी से कहूंगा कि वैद्य जी चलो लक्ष्मण को शक्ति लगी है और उस शक्ति की बूटी आप जानते हो, सो दवा करो चल के जल्दी। परंतु वैद्य ऐसा न हो इनकार कर देवे और अपनी लाचारी बतावे कि रावण पता पाएगा कि शत्रु के भाई को हमारे बेटे ने मारा, लक्ष्मण को मेघनाद ने मारा था, अब ये जिलाने जा रहा है उसको, हमारे शत्रु को, तो मुझे भी मारेगा। अब उसके शासन में उसके यहां मैं रहता हूं लंका में। तो हनुमान जी सोचे इसको जगाओ ही मत, इसका घर है उखाड़ के ले चलो। घर को उखाड़ लिया जमीन के सहित नीचे से और ले आए, ले आ करके वहां ही रखे रामादल में घर। अब वहां ही फिर जगाए जा करके, अब वो जागा
तो बड़ा चकित हुआ चारों, आश्चर्यवान हुआ, मैं यहाँ कहाँ आ गया, मेरा घर तो लंका में था, यहाँ कहाँ आ गया। फिर हनुमान जी सामने खड़े हो गए, बोले भाई जी देखिए लक्ष्मण का जरा नाड़ी देखिए, इनको शक्ति लगी है, शक्ति की बूटी आपके यहाँ है, संजीवनी बूटी है तुम्हारे यहाँ, उसको दो। अब वहां पहुंच गए हैं, क्या करें वैद्य जी, सोचते हैं कि मैं क्या करूं। अब उस समय भी साइंस विज्ञान बढ़ा हुआ था, रावण के जमाने में भी, कहा देखता हूं घर में। घर में गया देखने के लिए, भीतर घुसा, रावण को फोन कर दिया, तार कर दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरा क्या दोष है, मुझको यहाँ ले आए हैं हनुमान जी, रामा दल में मेरा घर ही उखाड़ ले आया है। लक्ष्मण को शक्ति लगी है, उसको जिलाने के लिए कह रहे हैं, मैं क्या करूं क्या न करूं। तो द्रोणागिरी पर्वत पर वो बूटी है, तो तुम और उसकी पहचान क्या है, कहा दीपक के समान जलती है उसमें, उसमें अनेक दीपक के समान उसमें जलते हैं, उसके पेड़ के पत्ती पत्ती में इतनी चमक है उसमें। तो भाई तुम जो है सो उसका उपाय करो किसी प्रकार से, और हनुमान जाएगा लेने के लिए अवश्य। वैद्य जी घर से लौटे, बोले हमारे घर में वो देखा मैंने उस डाले में, तो वो बूटी है नहीं, संजीवनी बूटी कहाँ है। हनुमान जी ने कहा द्रोणागिरी पर्वत पर है, बहुत दूर बताया कि जिसमें रात भर में आ ही ना पाएगा, इतनी दूर जाना वहां से लाना। उधर उसको रावण को खबर कर ही दिया था, तो कहा हनुमान जी की यात्रा किसी प्रकार से रोको, रात बीत जाए बस फिर काम बन जाएगा, भाई लक्ष्मण नहीं रहेगा। तो उसने माया फैलाई, वो एक राक्षस को कहा तुम जाओ, कालनेमी को कहा तुम जा करके साधु का वेश बना करके बाग बगीचा लगाओ, सरोवर बनाओ। माया भी थी, ये माया से सब बना लेते थे, और वहां जा करके हनुमान जी की मार्ग रोको, रास्ता रोको इनको। तो ठीक है, वो चला गया और उसने बाग बगीचा लगाया और खूब सुंदर कुटी बनाई, और सरोवर सुंदर निर्मल जल से भरा हुआ है, साधु का वेश बना के बैठ गया वही कालनेमी। और उधर हनुमान जी तेजी के साथ में आकाश मार्ग से जा रहे थे, उनको कुछ प्यास लगी हनुमान जी को, तो देखा कोई साधु की ये कुटी है, बाग बगीचा है, बड़ा अच्छा रम्य स्थान है, चलो पानी पी लें फिर आगे बढ़ें, लंबी यात्रा है। तो उतरे वहां पर, आए हनुमान जी, साधु को प्रणाम किए, प्रणाम करके उसने कहा बच्चा खुश रहो, राम राम कहो, और राम रावण में युद्ध हो रहा है, और मैं त्रिकालदर्शी साधु हूँ, मैं ये जानता हूँ जीते हैं राम, राम जीतेंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से राम की बड़ाई किया, हनुमान जी जान गए कि ये जरूर साधु है और राम का भक्त है। हनुमान जी ने कहा मुझको प्यास लगी है, आप पानी पिलाओ। तो कमंडल दिया, कहा बेटा पी लो ये पानी,
तो हनुमान जी ने कहा इतने थोड़े जल में मेरी प्यास नहीं बुझेगी, ज्यादा प्यासा हूं। तो कहा ऐसा करो कि पहले ये सरोवर में जाकर के तुम स्नान करो, स्नान करके फिर आओ, फिर अच्छी प्रकार से कुछ खाओ पियो और पानी पियो, और फिर तुमको मैं उत्तम राम नाम का मंत्र भी दे दूंगा, क्योंकि बिना गुरु के राम नाम जपने से उतना फायदा नहीं होता है, तो गुरु मंत्र चाहिए। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है। हनुमान जी तुरंत ही गए वो सरोवर में, घुसे तो वहां एक मकड़ी बैठी थी, उसको कह रखा था कि बस यहाँ आएगा हनुमान तो पकड़ के डुबा देना और खा जाना। मगर होते हैं ना मगर, मकड़ी उसकी पत्नी स्त्री। तो जो ही हनुमान जी भीतर सरोवर में गए वो मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया, खाने लग गई। जो खाने लग गई तो हनुमान जी ने जोर से झटका पाया, जो जोर से झटका पाया तो वो गिर जा करके दूर बाहर, और उस मकड़ी का रूप त्याग करके दिव्य कोई गंधर्व का रूप धारण कर लिया, देव गंधर्व का रूप धारण कर लिया, और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। कहा मुझे साफ बस में मकड़ी हो गई थी, और मुझको ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि रामा अवतार में हनुमान जी आएंगे, उनके द्वारा तू तेरा उद्धार हो जाएगा, तो आज तुम्हारे द्वारा मेरा उद्धार हो गया, मैं जा रही हूँ अपने लोक को, परंतु ये बताए देती हूँ कि ये साधु साधु न हो ये निश्चर घोरा, ये साधु नहीं है निशाचर है, माया करके ये सब बैठा हुआ है यहाँ पर। कहा अच्छा ठीक है। हनुमान जी आए और अपनी पूंछ से उसको लपेटने लगे, बांधने लगे वो कालनेमी को। कहा ये क्या करते हो? कहा ऐसा है ना कि गुरु मंत्र के बाद में दक्षिणा देने को चाहिए ना, तो पहले गुरु दक्षिणा लेहू पाछे हमें मंत्र तुम देहू, बाद में तुम मंत्र देना, पहले गुरु दक्षिणा ले लो। गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। बोले ये कैसे दे रहे हो? बोले देखो बताता हूँ, अभी बांध करके पूंछ में और घुमाया ऐसे आकाश में, तो घुमा करके पटक दिया, उसके प्राण चले गए। इसके बाद में अब उसको सब खबर हो, रावण को खबर थी, विज्ञान का जमाना था कि उसने तो मार दिया उसको, तो और दूसरी माया फैलाई उसने, द्रोणा के पर्वत के तमाम सब पेड़ों में लाइट जला दिया, सब जगह जगह में हर वृक्षों में तमाम लाइट जला दिया। हनुमान जी ने सोचा कि अब एक एक दो वृक्ष थोड़ी नहीं है, तो संजीवनी बूटी के यहाँ तो हजारों पेड़ ये सब है। अब मान लो मैं एक दो कुछ ले जाऊं, अब वो कहते कि ये नकली है, तो उसको बेकार चली जाए, तो ऐसा करूं मैं पर्वत ही उखाड़ के ले चलूं, जो असली होगा वो वैद्य अपना ले लेगा। इस प्रकार से सोच करके और द्रोणागिरी पहाड़ को उठा लिया सहज ही, जैसे कोई तुलसी का पेड़ छोटे छोटे लड़के लोग उखाड़ के ले जाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, बाग बगीचा से ले जाते हैं, ऐसे ही सहज ही उसको उखाड़ लिया। और तुलसी के जैसे पेड़ सब वो वृक्ष हैं, ये उखाड़े लिए चले जा रहे थे। भगवान ने कहा था जरा अयोध्या होते हुए आना, खबर ले आना वहां का समाचार। तो हनुमान जी सोचे चलो अयोध्या होते, वही पहाड़ हाथ में लिए हुए अयोध्या पहुंचे।
रात ही को जल्दी आना भी है सूर्य निकलने के पहले पहले, और इतनी यात्रा है तो वहां समाचार लेने के लिए भगवान की आज्ञा तो चले गए। भरत जी ने देखा कि कोई ये राक्षस आ रहा है, मालूम पड़ता है ये पहाड़ लिए हुए, ऐसा न हो अयोध्या में डाल दे और कोई दुश्मनी से ही आ रहा होगा राक्षस ही। राक्षस लोग पहले ही से दुश्मनी मानते हैं, सब इनसे दशरथ और इनके पिता पितामह से दुश्मनी मानते चले आते हैं। और ये इस समय भरत जी रखवाली में थे अयोध्या के, तो कोई राक्षस समझ करके इन्होंने ऐसे ही साधारण एक बिना फरका बाण मार दिया। जो बाण मारा हनुमान जी के टांग में लगा और पर्वत सहित लेकर के गिर पड़े और हा राम पुकारा। जो राम का नाम लिया तो भरत जी जाने ये तो कोई भक्त है, इसको मैंने मार दिया। बहुत दुख भय, बड़ी प्रार्थना की है। बड़ी प्रार्थना करने के बाद में वो मूर्छा से जागे, कहा मैं बड़ा अपराधी, तुम जैसे राम भक्त को मार दिया, कहो तुम अपना पता बताओ तुम कौन हो। फिर अपना संबंध बताया राम से कि मैं हनुमान, मेरा नाम है और किष्किंधा में हमसे और राम से भेंट भई और वहां और सीता हरण हो गया है, रावण सीता ले गया है हरण करके, और सुग्रीव ने तमाम भालू बानर बुलाए हैं और वहां राम रावण युद्ध चालू है और लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, वो मूर्छित पड़े। मैं गया था द्रोणागिरी, ये पर्वत द्रोणागिरी पहाड़ है, मैं संजीवनी बूटी लेने के लिए गया था, तो भगवान ने ये कहा था अयोध्या होते हुए आना, वहां का भरत जी का और सबका समाचार ले आना, तो तुम्हारी खबर लेने के लिए और सब अयोध्या की खबर लेने के लिए, समाचार लेने के लिए मैं इधर से आया। अब मेरे पैर में चोट लग गई है और जल्दी पहुंचना भी है, तो भरत जी ने कहा ऐसा करो भैया कि मेरे बाण में तुम बैठ जाओ और मैं अभी एक मिनट में वहीं पहुंचा देता हूं तुमको। कहा पर बोले पर्वत समेत बैठ जाओ मेरे बाण में। हनुमान जी सोचते हैं मेरे भार से बाण चलना मुश्किल है, फिर पर्वत सहित त्रिलोकी का भार तो मेरे ही ऊपर है। कुछ मन में ऐसा आया हनुमान जी के, सोचे देखूं जो बैठे तो सहन कर लिया वो, बोले अभी पहुंचा देता हूं तुमको। बस हनुमान जी जान गए कभी कभी राम जी भरत की याद करते थे कि ऐसे में भाई भरत होता तो ये भाई को शक्ति नहीं लगने पाती, तो इनकी बड़ाई हमेशा और इनके बल की सामर्थ्य की भक्ति की बड़ाई किया करते। मैं अब पहचान लिया, ठीक ही करते थे, सब प्रकार से ये श्रेष्ठ हैं। कहा कि नाथ अब मैं आपको की चरणों में वंदना करता हूं और तुम्हारे बाण के समान ही मैं जाऊंगा, ऐसा कह करके उड़ के पहुंच गए। पहुंचते ही वैद्य ने वैद्य को जगा बुलाया और कहा लो बूटी जो हुए ठीक ठीक उसको लो और लक्ष्मण को दो। वैद्य बूटी लेकर के लक्ष्मण के मुख में डाला, लक्ष्मण तुरंत उठ करके बैठ गए, ऐसे उठ के बैठ गए जैसे सो करके जागे हों, श्रम दूर हुआ हो। राम ने कहा भाई लक्ष्मण तुमने तो बड़ा कष्ट पाया,
कहा मुझे तो कुछ कष्ट नहीं मिला है, मैं तो जैसे दुखी कोई हो और नींद आ जाए तो सुख मिल जाता है, और तो संग्राम में तो श्रम होता है ना, सो जाए तो सब दुख दूर श्रम दूर, मुझे तो कुछ नहीं दुख हुआ है पर आपको कष्ट बहुत हुआ है मुझे ऐसा देख करके। तो इस प्रकार से मिले जुले अस्तु कथा तो हम ये कह रहे थे, अमृत की बात बता रहे थे, वैद्य की बूटी से उसे संजीवनी बूटी से वो जीवित हो गए, तो वो अमृत जितने थी वो भगवान को कोई पसंद नहीं आया, जितने हनुमान जी ने अमृत बताए और उपाय बताए। और यहाँ कोई भगवान का परम भक्त है, यहाँ इस सभा में जहाँ अमृत का निरूपण हो रहा है, सब लोग कह रहे थे अब्धौ विधौ बदमुखे फणिनाम निवासी स्वर्गे सुधा बसतिनो विबुधा बदंती, ये अनेक लोग जो कह रहे थे हमारे स्वर्ग में अमृत है, कोई समुद्र में अमृत बताते, कोई नागलोक में अमृत बताते, तो भक्त उनके अमृतों को खंडन करता है और सत्य अमृत बताता है। क्या खंडन करता है? कहा भाई सभी सभा के लोग शांत होकर के सुन लो जो मैं कहता हूँ और मेरी वाणी पर विचार करो। अक्षारात क्षयात पतिमृतात गरलात पतित्वात कंठे सुधा बसति सा भगवज्जनानाम। कहा देखो क्षारात क्षयात पतिमृतात, यदि समुद्र में अमृत होता तो खारा नहीं होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, और जो कोई समुद्र का पानी पी लेता उसको अमर होना चाहिए, और यहां उल्टा देखने में आता है। समुद्र का पानी खारा है क्षार है, और जो कोई पी ले वो मृत्यु को प्राप्त हो, आते काट दे, ये उल्टी बात है। तो इससे जाना जाता है ये झूठा अमृत है। छयात जो कहते हैं ये कि चंद्रमा में अमृत है, इनका कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अमृत चंद्रमा में होता तो घटे बढ़े क्यों हो गए नाश, ये घटता है बढ़ता है और फिर अमावस्या और प्रतिपदा को दिखाई भी नहीं पड़ता, नाश भी होता है, उदय अस्त वाला है ये, जन्म इनका उदय होता है अस्त होता है, ऐसे सूर्य उदय अस्त होता है, ये अमर कहाँ है, कोई इनमें अमृत नहीं है। जो पत्नी के चंद्रमुख में बताते हैं वो तो रोज ही पान करते हैं, फिर मरते क्यों हैं, तो अमर हो जाना चाहिए। पत्नी के चंद्रमुख के अमृत को तो रोज पीते हैं उनके पति लोग, पर मरते देखने में आते हैं, कोई अमर होता देखने में नहीं आता है। तो ये झूठी बात है, नाम रखे हैं ये केवल अमृत। और जो देवता लोग कहते हैं हमारे लोक में, हाँ नाग लोक में जो ये सर्प लोग कहते हैं कि हमारे लोक में अमृत है, नाग लोक में अमृत होता तो सर्पों के मुख में अमृत होना चाहिए, उल्टा जहर देखने में आता है, हर सर्प के मुख में जहर होता है, विष होता है। और जिसको काट यदि अमृत होता उनके मुख में तो मुख में जहर ना होना चाहिए, अमृत होना चाहिए, और सांपों को मरना ना चाहिए, और जिसको काट लेते वो अमृत उसके चला जाता तो वो भी अमर हो जाता, परंतु यहाँ तो उल्टा देखने में आता है, सांप जिसको काट खाए वो भी मरता है और उसकी भी आयु जहाँ पूरी भई तो सांप भी मर जाता है, ये गलत है। पतित्वात, हे देवताओं तुम भी सुन लो, यदि तुम्हारे लोक में अमृत होता तो तुमको अमर होना चाहिए, स्वर्ग लोक से पतन नहीं होना चाहिए। स्वर्ग लोक में जाते हैं लोग पुण्य करके,
तीतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम पर क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोकम विशन्ति। फिर गिरते हैं। देवताओं को अमर होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, तो ये सब झूठे अमृत है। कहा तुम सच्चा अमृत बताओ। बोले कंठे सुधा बसति सा भगवत जनानाम। ये जो भगवान की वाणी है, गीता है, दुग्धम गीता अमृतम महत, यही महान अमृत है। और जो कोई संत महात्मा इस अमृत को धारण किए हैं वो अमर हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा को पहचान गए हैं, वो अमर रूप ही है। और जिसको ये पिला देते हैं वो भी अमर कौन पीता है, सुधीर भोक्ता। जिसकी शुद्ध बुद्धि है, निर्मल है, भक्त है, वो इस अमृत को पान करता है, निश्चय ही वो अमर हो जाता है। क्योंकि गीता ज्ञान रूपी अमृत तो ऐसा ही कहता है, न जायते मृत्ये वा कदाचित। ये देही आत्मा की तो कभी जन्म मरण होता ही नहीं है, अर्जुन तो अमर ही है। और देह मेरी माया से रोज बनते हैं, पुनः मिटते हैं, और देही आत्मा तो अमर ही है। तुरंत ही आत्मा ही अमृत है, नमृतम इति अमृतम। अपने आत्म तत्व को ये गीता ज्ञान अमृत बता करके, ये संत महात्मा लोग बता करके उसको तुरंत निर्भय कर देते हैं, अमर बना देते हैं। अमर तो वो है ही। इस प्रकार से इतनी गीता ज्ञान रूपी दुग्धामृत की महिमा है। गीता में हृदयम पार्थ, गीता में ज्ञानम उत्तमम, गीता ज्ञानम उपासित्य तीन लोकान पाल्याम हम। अर्जुन, गीता मेरा हृदय है, सबसे उत्तम जो ज्ञान है मेरा वो गीता ज्ञान है, और कर्म उपासना वो भी मैंने ही कहा है, परंतु वो पहले साधन की है, मल विक्षेप दूर करने के लिए कर्म उपासना है, कर्माणि चित्त सिद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम सर्व वेदांत निर्णय। कर्म उपासना मल विक्षेप दोष को दूर करने के लिए, पर अज्ञान को नाश करने के लिए तो ये ज्ञान ही है, इससे उत्तम नहीं। ऐसी गीता शास्त्र की सज्जनों महिमा है, इससे उत्तम कोई ग्रंथ है नहीं, सबसे ऊंचा ग्रंथ है। और ये शरीरों में मनुष्य शरीर सबसे ऊंचा है, सबसे सिरोभाग का है ये मनुष्य शरीर, 84 लाख योनियों के ऊपर। और ये भूमि के खंडों में ये भरत खंड ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर, इससे ऊपर कोई नहीं ये भरत खंड से। और इस भारत में भी जहां पर आप बैठे हो ये तो बिल्कुल पृथ्वी की चोटी है, ये हिमालय। और मनुष्यों में मनुष्य शरीर, इससे ऊंचा कोई नहीं। तो सब ऊंची ऊंची चीजें प्राप्त करके मनुष्य शरीर ऊंचा मिला है, गीता ज्ञान सबसे ऊंचा सुनने को मिल रहा है, और पृथ्वी के सिरोभाग उत्तराखंड में आप बैठे हुए हो। अब अपना कल्याण अवश्य कर लेना चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए, अब नीचे न गिरना चाहिए इस शरीर से 84 लाख योनियों की तरफ। ये पक्का जानना चाहिए कि मैं देही आत्मा स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण तो मेरा स्वरूप हो ही नहीं सकता है, भगवान कहती है माया मात्र, माया मात्र इदम द्वैतम। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्रम, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतना दृश्य ये सब माया मात्र है, इसको देखने वाला मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद् ब्रह्म अमित ज्ञात्वा सर्व बंधै प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जो प्रकाशता है वह ब्रह्म है, और वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ये दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का